नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए होगा और 19 अगस्त से 25 अगस्त के लिए होगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि राशिफल जो होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। चूंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं, इस वजह से ऑब्वियसली सामान्य स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो इसके लिए तो कई चीज़ों की जरूरत लगेगी। जैसे जैसे कि आपकी खुद की लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, दशाएं, अंतर दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र कुंडली के अच्छे बुरे योग और भी कई चीज़ों का जब एक साथ मिलाकर के अध्ययन किया जाएगा तो एक जानकारी निकल के आ पाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर मेरे लिए खुशखबरियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। एक बहुत ही खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यदि आपसे कहूं तो वो ये कि यहां पर खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, सप्ताह लॉस भी हो सकता है। धन को, धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये समय कोई खास मुझे नहीं दिखता। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो देखिए, इनकम होगी, लॉस हो सकता है या आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा। इनकम होगी, पैसा बाकायदा आते रहेगा। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर उन्नति के योग भी हैं। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको सराहना मिले, आपके काम को और आगे बढ़ाया जाए, आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि हो, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए, या आने वाले वक्त में कहीं प्रमोशन मिले तो उसकी आज ही से श्योरिटी हो जाए, तो ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं नौकरी में। उसी तरह व्यवसाय में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज कहीं मिल सकती है इस सप्ताह। लेकिन मेरा को कहना यह है कि व्यवसाय में फिलहाल रिस्की इन्वेस्टमेंट आप न करें। यदि आप व्यवसाय नहीं भी हैं तो भी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, जैसे जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना या भूमि में पैसा लगाना या फिर किसी को पैसा उधार दे देना, कहीं ब्याज पर पैसा दे देना, तो फिलहाल इस सप्ताह आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लॉस आपका हो सकता है। धन आएगा ज़रूर लेकिन जाएगा भी ज़्यादा, ऐसे मुझे दिखते हैं। अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखिए। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राओं के दौरान भी अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखिए। इसके बाद में यदि हम स्टूडेंट्स की चर्चा करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत मुझे अच्छा दिखता है, बहुत शानदार दिखता है। यदि आपने कहीं एग्जाम देकर के रखी थी, किसी एग्जाम के रिजल्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आ सकता है। साथ ही साथ एग्जाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो भाई ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, परिवार के साथ संबंधों में और ज्यादा मधुरता आएगी और पुराने जो रिश्ते कहीं ना कहीं मतभेद की वजह से दूरी बन गई थी या मनभेद की वजह से दूरी बन गई थी, उन दूरी में भी आपको यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। स्वास्थ्य की चर्चा करें तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फाइनली यदि हम चर्चा करते हैं प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। जिस तरह से मैंने कहा कि परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से भी परिवार का सहयोग मिल सकता है, परिवार का साथ मिल सकता है। परिवार के सामने आप अपने प्रेम प्रसंग को रख सकते हैं और आपके प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे दिया जाए, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इन सारे विषयों में, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है। बस आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से या खर्च होने के दृष्टिकोण से, लॉस हो जाने के दृष्टिकोण से मुझे कोई बहुत अच्छे योग नहीं दिख रहे। तो अपने धन जो है या सेविंग जो है उनका ध्यान रखिए, फिजूल के खर्च फिलहाल ना करें, बस इतनी सी बात है। बाकी ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो समय है, जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।